सिंप्लेक्स मेथड अपना चल रहा था और सिंप्लेक्स मेथड के कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे तीन तरह से। एक तो यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड जिसमें केवल सिलेक और सरप्लस वेरिएबल काम में आते हैं, फिर दूसरा बिग एम मेथड जिसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल काम में आते हैं, और तीसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के लिए एक मेथड और अपन ने किया था टू फेज मेथड, ठीक है, जिसमें फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज थे। तीनों के एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से पिछले जो लेक्चर से उनमें समझाए। अब जो नेक्स्ट ये वाला जो अपना लेक्चर है इसके अंदर अपन बताएंगे कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को अपन चेक कर सकते हैं सिंप्लेक्स टेबल की सहायता से, कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा उसकी क्या कंडीशन है, रीजन अनबाउंडेड होगा लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है, अल्टरनेट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, तो ये सारी चीज़ें सिंप्लेक्स टेबल की सहायता से अपन किस तरह से चेक कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें अपन बताएंगे डिजन रेसी, ठीक है, डिजन रेसी कब अराइव होती है सिंप्लेक्स टेबल के केस में, ठीक है। तो एक एक करके अपन लेते हैं, तो प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ। एक एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर ध्यान देना है इस पर प्रॉपर्टीज। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है नंबर वन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी, ठीक है, एलपीपी का मूलभूत प्रमेय, एलपीपी का मूलभूत प्रमेय। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या होगी, इफ इफ एलपीपी, एलपीपी सपोज इस तरह से लिखी हुई है, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये किसी भी एलपीपी का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन क्या करते हैं, दी गई प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में होनी चाहिए, जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सारे इक्वेशंस में होने चाहिए, नॉन नेगेटिव जो भी वेरिएबल्स हैं वो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने चाहिए, और बी यहाँ पर कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर लिखी है ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इफ दिस एलपीपी हैज ऑप्टिमल सॉल्यूशन then at least one basic solution will be optimal solution, ठीक है। ये तो इसका क्या मतलब है, अगर LPP इस तरह से लिखी हुई है, मैक्सिमम अधिकतम जेड इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर इसका इष्टतम हल विद्यमान है, अगर इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इष्टतम हल विद्यमान है, तब जो इष्टतम हल होगा वो किसी ना किसी बेसिक सॉल्यूशन पर होगा, ठीक है, देन एट लीस्ट वन बेसिक सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी कि कम से कम एक बेसिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनमें से कम एक बेसिक सॉल्यूशन ऐसा होगा वही क्या बनेगा, इष्टतम हल बनेगा। और यही अपन सिंप्लेक्स टेबल में करते हैं कि शुरुआत में एक इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन अपन लेते हैं और उस बेसिक सॉल्यूशन को फिर अपन क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, ठीक है, उसको संशोधित करते हैं, पहली टेबल बनाई आपने, ठीक है, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन के साथ, फिर बेसिक वेक्टर्स को चेंज करते हैं, एक वेक्टर अंदर आता है टेबल में, एक वेक्टर बाहर चला जाता है, यानी कि वहां पर क्या जो प्रोसीजर चलता है स्टेप बाय स्टेप, उसमें कुल मिलाकर क्या होता है कि जो बेसिक वेक्टर हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन चेंज होता रहता है और हम इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान रहे आपको, अगर किसी एलपीपी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तब वो कम से कम एक बेसिक सॉल्यूशन, उसमें कम से कम एक बेसिक सॉल्यूशन होगा जो क्या बन जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा बन जाएंगे तो फिर वो आपको पता है फिर वहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला तो ये, दूसरा इफ ए एल पी पी हैज, इफ ए एल पी पी हैज फिजिबल सॉल्यूशन
फिजिबल सॉल्यूशन देन देन इट मस्ट देन इट मस्ट हैव हैज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन ठीक है। तो अगर किसी एलपीपी के पास फिजिबल सॉल्यूशन है तो फिर निश्चित रूप से उसके पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी होगा, यानी कि अगर किसी एलपीपी के पास सुसंगत हल है तब उसके पास निश्चित रूप से आधारी सुसंगत हल भी होगा, ठीक है। और फिर जो आधारी सुसंगत हल है उनमें से ही कोई ना कोई क्या बनेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर सिंप्लेक्स मेथड, अगर दी गई एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिजिबल सॉल्यूशन आप देख सकते हो, फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर निश्चित रूप से क्या होगा, उसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है और एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तब कोई ना कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही अपना क्या बनेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टी नंबर थ्री, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन एक ही लैंग्वेज लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख दिया अपन ने, लेकिन मैं सारी हिंदी भी आपको बोल रहा हूँ, तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है, नोट कर सकते हो। यदि किसी एलपीपी का क्या है, सुसंगत हल, अगर किसी एलपीपी का सुसंगत हल है तो फिर उसका आधारी सुसंगत हल भी होगा, ये इसका मीनिंग है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ आपको, थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखो, फिर एक बार मैं फिर आपको समझाऊंगा। लेट x be equal to b inverse into b is a basic feasible solution of LPP, ठीक है। यदि x be equal to b inverse into b किसी LPP का क्या है, आधारी सुसंगत हल है, ठीक है। तो आधारी सुसंगत हल आपको दे रखा है, आपको पता है कि अपन ये बनाते हैं सिस्टम ax equal to b, और जो बेसिक मैट्रिक्स अपन ने बनाई थी वो किससे डिनोट किया था, मैंने b से, और बेसिक वेरिएबल क्या ले लिए थे मैंने, x b, तो इक्वल टू b के हो गया। तो यहाँ से x b equal to किसके हो जाएगा, b inverse into b, यानी कि अगर मैं x भी इक्वल टू इस तरह से लिखूं तब ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन इस तरह की, जो x की वैल्यू होंगी वो बेसिक सॉल्यूशन अपना बनेगा, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या लिखा है, अगर x भी इक्वल टू b इनवर्स b क्या है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, आधारी सुसंगत हल है, किसका, LPP का, तब क्या है, एंड z इक्वल टू cb into xb इज वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन फंक्शन 8xb, ठीक है। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अपन ने ले लिया शुरुआत में, सपोज क्या, xb को जब अपन जेड में लिखेंगे तो जेड आपको पता है जेड किस तरह से बनाते हैं अपन, जेड इक्वल टू क्या लिखते हैं, सी एक्स, तो यहां पर बेसिक वेरिएबल्स ले रहे हैं तो xb हो गया, और इसके करस्पोंडिंग कॉस्ट लेंगे तो cb हो गया। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, यानी कि यहां पर जो मेरा सॉल्यूशन बन रहा है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उसको मैंने कहां पर रख दिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है उसको मैंने क्या मान लिया, जेड मान लिया, ठीक है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एक्स बी है, एक्स बी पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को मैंने क्या मान लिया है, जेड मान लिया है। आगे क्या कह रहा है देखो, इफ फॉर एनी कॉलम In capital A, but not in B, ZJ minus CJ less than zero holds, and at least one yij is greater than zero, ठीक है, where I equal to 1 to up to क्या लेते हैं अपन, m greater than zero, then it is possible to obtain
देन इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन बाय रिप्लेसिंग वन कॉलम ऑफ बी बाय इट एंड इफ न्यू वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अभी मैं इसको समझा देता हूं आपको, एंड इफ न्यू वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इफ न्यू वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज जेड डेस, देन जेड डेस विल बी ग्रेटर देन जेड, देन जेड डेस विल बी ग्रेटर देन जेड, या जेड डेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड. इसका क्या मीनिंग है देखो, ये मैं आपको समझाता हूं. तो अभी तक अपन ने जो दो पॉइंट यहां पर किए हैं, दो पॉइंट्स के लिए मैंने क्या लिखा है कि सबसे पहला पॉइंट तो क्या लिखा है कि अगर किसी एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तब कोई ना कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या कोई ना कोई बेसिक सॉल्यूशन ही उसका क्या बनेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा, पहली चीज. दूसरा ये कि अगर किसी एलपीपी का फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तब उसका निश्चित रूप से बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा. अब मैं तीसरा पॉइंट ले रहा हूं इसमें. तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है देखो, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस आपको पहले करवाए कि सिंप्लेक्स टेबल जो हमने किए, सिंप्लेक्स टेबल आपके समझ में आना जरूरी है तभी आप इन चीजों को समझ पाओगे. सिंप्लेक्स टेबल मैंने ये बनाई थी, देखो आप, सी बी बी एक्स बी, इस टाइप से, ये सिंप्लेक्स टेबल. इसमें मैंने लिखा था जेड जे माइनस सी जे, इसमें आ गया था बी और इधर वो सी जे और इसमें मैंने क्या लिख दिया था बी, ठीक है. और यहां पर मैंने वेक्टर्स लिख दिए थे क्या, वाई वन वाई टू, इसी तरह से कहीं वाई जे आ गया, एंड सो इस तरह से, ठीक है. क्या कह रहा है देखो ये, अगर एक्स बी इक्वल टू बी इनवर्स बी, ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन है, बेसिक सॉल्यूशन की. सपोज एक्स बी इक्वल टू बी इनवर्स बी क्या है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है किसका, एलपीपी का. और इस सॉल्यूशन को जब मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख रहा हूं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जेड इक्वल टू सी एक्स, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखा तो सी बी इंटू एक्स बी, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आ गई किस पर, एक्स बी पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या है, जेड है. कोई भी बेसिक सॉल्यूशन आपके पास है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास, जेड, ठीक है. इफ फॉर एनी कॉलम इन ए, अगर ए के किसी, अब ए कौन सी मैट्रिक्स होती है, यहां पर जो लिखते हो आप, ठीक है, अब ध्यान रहे आपको, ए मैट्रिक्स कौन सी होती है जो यहां पर आप लिखते हो, इसके अंदर ये पूरी मैट्रिक्स, ये वाला जो पूरा पोर्शन बनता है, ये मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए मैट्रिक्स, कोफिशियंट मैट्रिक्स से लिखते हो यहां पर. सिंप्लेक्स मेथड जब मैंने आपको करवाया, वहां पूरा प्रोसीजर आपको करवाया, ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या लिखते हैं, ए मैट्रिक्स, ठीक है. क्या कह रहा है ये, इफ फॉर एनी कॉलम इन ए बट नॉट इन बी, बी कौन सी होती है, बेसिक मैट्रिक्स, तो बेसिक मैट्रिक्स जो सपोज 1 0 और 0 1, इस तरह से यहां 1 0 ले लिया, मैंने 0 1 ले लिया, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई, बेसिक मैट्रिक्स, ये वाली, तो इसको तो मैं क्या लिखूंगा, बी, तो ये दोनों कॉलम तो किस में चले गए, बी में चले गए, ठीक है. ये सपोज क्या है मेरा कुछ भी y3, कहीं पर क्या आ जाएगा yj, एंड सो. तो अब ध्यान रहे, पूरी मैट्रिक्स तो कौन सी है, ए मैट्रिक्स है. इस तरह से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हो आप, वो कौन सी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है. तो अब ये कह रहा है कि ए के वो कॉलम लेने हैं आपको इनके अलावा, इन दोनों के अलावा, ठीक है. तो ये तो जो कॉलम्स है वो तो किसके कहलाएंगे, बेसिक मैट्रिक्स के कॉलम, ठीक है. आपको बेसिक मैट्रिक्स के अलावा जो कॉलम है उनकी बात यहां पर हो रही है. तो क्या लिख रहे हैं अपन, देखो आगे, इफ फॉर एनी कॉलम इन ए, ऐसा कॉलम अपन लेंगे मैट्रिक्स ए का जो किस में नहीं है, बी में नहीं है.
तो बी में सपोज एक तो ये, दूसरा ये, तो इसके अलावा ले लिया, सपोज ये वाई जे वाला कॉलम ले लिया मैंने, वाई जे वाला, ये वाला कॉलम, ठीक है। और इसके लिए अगर क्या आ जाए आपके पास, जेड जे माइनस सी जे क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ गया। सपोज ये जे वाला कॉलम है, इसके लिए जो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू है सपोज क्या आ गई, लेस देन जीरो आ गई, लेस देन जीरो। एट लीस्ट वन वाई आई जे ग्रेटर देन जीरो, वाई आई जे कौन सी वैल्यू होगी, ये वैल्यू, ठीक है। यहां पर भाई सपोज ये पहला वाला है तो वाई वन जे वाली वैल्यू, ये दूसरा वाला वाई टू जे हो गया, ये इसी तरह से चल रहा है। तो इनमें से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, कम से कम एक वैल्यू इनमें से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप की एलिमेंट निकालते हो, फिर से अपन जाए सिंप्लेक्स मेथड पर, जब की एलिमेंट आप निकालते हो, ठीक है, क्योंकि जेड जे माइनस सी जे आप नेगेटिव ले रहे हो, ठीक है। अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मोस्ट नेगेटिव के लिए अपन करते हैं, तो नेगेटिव के लिए जब सपोज बाकी सारे तो पॉजिटिव हैं और ये सपोज नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाएंगे अपन, इसको इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर जब आप इसको बनाओगे तो आपको फिर बी की वैल्यूज में किसको डिवाइड करना पड़ेगा, वाई आई वाई जे जो कॉलम है इसकी एंट्रीज को। लेकिन वहां मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करने के लिए जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे वो नंबर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर इनमें से कम एक ग्रेटर देन जीरो है तभी अपन क्या निकाल पाएंगे, की एलिमेंट निकाल पाएंगे। तो क्या लिखा मैंने, सबसे पहले क्या लिया मैंने, एक एलपीपी ली, उस एलपीपी का प्रारंभिक या इनिशियल जो बेसिक सॉल्यूशन है, प्रारंभिक आधारी हल ले लिया, उसको मैंने क्या लिया, एक्स बी। और प्रारंभिक आधारी हल पर जो उद्देश्य फलन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसकी वैल्यू मैंने क्या मान ली, कैपिटल जेड। अब मैं मैट्रिक्स ए का वो वाला कॉलम ले रहा हूं जो बी के अलावा है, ठीक है, बी के अलावा है, और सपोज मैंने कौन सा ले लिया, वाई जे ले लिया, और सपोज वाई जे के लिए जेड जे माइनस सी जे क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, ठीक है। और साथ ही मैंने कह दिया कि इस कॉलम में कम से कम एक एंट्री ऐसी है जो कैसी है, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, देन इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय रिप्लेसिंग वन कॉलम ऑफ बी बाय इट। तब ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तब फिर आप एक नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बना सकते हो। नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इसको तो मैं क्या कर दूंगा, एंटर करवा दूंगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा है तो फिर मोस्ट नेगेटिव लेंगे, अगर एक से ज्यादा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो कौन सा लेंगे फिर अपन, मोस्ट नेगेटिव वाला। तो इसको तो मैंने क्या करवा दिया, एंटर करवा दिया, फिर एंटर करवा दिया तो ग्रेटर देन जीरो भी कम से कम एक एलिमेंट है, तो अपन क्या बना सकते हैं, की एलिमेंट बना सकते हैं। की एलिमेंट की सीध वाले को अपन क्या करेंगे, बाहर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इन दो जो बेसिक वेक्टर हैं इनमें से एक बाहर चला जाएगा, यही हो रहा था वहां पर, जो बेसिक वेक्टर यहां पर थे, ठीक है, क्योंकि अभी यहां पर जो बेसिक वेक्टर हैं उनमें से एक क्या चला जाएगा बाहर, और उसकी जगह ये जो अपन ने बनाया है ये आ गया। तो वही कह रहा है कि जो बेसिक वेक्टर है उनमें से किसी एक को रिप्लेस करके इसको उसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है yi is greater than 0, then it is possible to obtain new basic feasible solution। तब ये हमेशा संभव होगा कि आप एक नया आधारी सुसंगत हल बना सकें by replacing one column of b, जो बेसिक मैट्रिक्स थी आपकी उसके एक कॉलम को आप क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे by it, इसकी सहायता से, जो नया वाला वेक्टर आपका है ये, इस नए कॉलम को किसकी जगह ले आएंगे, किसी एक बेसिक जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम की जगह उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा अगर आपने किया तो फिर आपको एक नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसके करस्पोंडिंग नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अपने को मिल जाएगा। नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया, उस पर फिर से आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब मैंने मान लिया कि जो नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मैंने बनाया उस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सपोज क्या है, जेड डैश है, सपोज क्या है, जेड डैश है। पहले वाला जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था आधारित सुसंगत हल, उस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या थी मेरे पास, जेड। अब जो मैंने नया बना दिया उस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या है, जेड डैश। तब क्या होगा, जेड डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड। तब ये कह रहा है कि जेड डैश या तो जेड के बराबर होगा या फिर जेड से बड़ा होगा। जेड से बड़ा आ रहा है इसका मतलब जो मैक्सिमम है तो वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब जो नया सॉल्यूशन मिला वो ज्यादा अच्छा मिला, क्योंकि प्रॉब्लम अपन किसकी, सिंप्लेक्स मेथड किसके लिए कर रहे हैं अपन, मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो जो नया सॉल्यूशन मिला वो हमें ज्यादा अच्छा मिला, इसीलिए अपन कहते हैं कि जो पहला सॉल्यूशन था उसको अपन ने क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, उस सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, और इम्प्रूव करके नया सॉल्यूशन हमने फाइंड कर दिया। तो जेड डैश क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड।
और इसी में आप लिख सकते हो फोर फोर नॉन डिजनरेट, फोर नॉन डिजनरेट, यानी कि जो सॉल्यूशन यहां पर आप निकाल रहे हो वो अगर नॉन डिजनरेट आ रहा है, अन अपभ्रष्ट आ रहा है, उस केस में ये होगा जेड डेज विल बी ग्रेटर देन जेड। नॉन डिजनरेट के केस में जेड डेज जेड से बड़ा होगा, बराबर नहीं हो सकता, जबकि अगर सिंपली लिखा हुआ है केवल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उस केस में जेड डेज क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड। ठीक है, आगे समझ में प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में अपन ने क्या किया, एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिया है, आधारी सुसंगत हल कौन सा लिया, एक्स बी। ठीक है, एक्स बी ले लिया अपन ने, तो उसके लिए आधारी मैट्रिक्स बन गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे एक नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन प्राप्त करना है, उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैं वो जेड जे माइनस सी जे ढूंढूंगा जो क्या है, लेस देन जीरो है, और एक से ज्यादा अगर है तो फिर उस वाले को लूंगा जो मोस्ट नेगेटिव है। तो अगर सपोज वाई जे वाला जेड जे माइनस सी जे है वो लेस देन जीरो है, तो फिर मुझे इस कॉलम पर फोकस करना है। अब इस कॉलम में सबसे पहले तो ये देखना है कि कम से कम एक एंट्री क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तभी अपन क्या ढूंढ पाएंगे, की एलिमेंट, क्योंकि एक से ज्यादा ग्रेटर देन जीरो है तो फिर बी में डिवाइड करके अपन रेशियो निकालते हैं, मिनिमम रेशियो देखते हैं, जिसके लिए मिनिमम रेशियो आ रहा है वो अपना क्या बन जाएगा, की एलिमेंट। तो फिर अपना की एलिमेंट मिल गया, की एलिमेंट मिल गया तो आउटगोइंग वेक्टर मिल जाएगा आपको। ठीक है, यानी कि यहां पर जो पहले से बेस में थे, पहले से जो बेस में वेक्टर थे उनमें से एक वेक्टर तो बाहर चला गया और उसकी जगह अपना एक नया वेक्टर उसके अंदर आ गया, यानी कि पहले वाला जो बेसिक वेक्टर था वो बाहर चला गया, नया वेक्टर अंदर आ गया। इसका मतलब जो पहला वाला बेसिक सॉल्यूशन था उसकी जगह हमने एक नया बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बना दिया। अब पहले वाला जो बेसिक सॉल्यूशन था, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या है, जेड, नए वाले पर मैंने क्या मान ली, जेड डेस। अब मेरा नया वाला जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपन सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो यानी कि उससे बड़ा आना चाहिए। तो कंडीशन क्या आई दोनों में, जेड डेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड। और यहीं से अपन ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अगर जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपने निकाला वो कैसा है, नॉन डिजनरेट है, यानी कि बेसिक वेरिएबल सारे नॉन जीरो है, नॉन डिजनरेट है, उस केस में फिर जेड डेस जेड से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर, आ गई ये प्रॉपर्टी समझ में। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं एक प्रॉपर्टी और इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फोर्थ में ये है, इफ फॉर एनी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एक्स बी, इफ फॉर एनी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एक्स बी, इफ फॉर एनी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एक्स बी ऑफ एन एलपीपी, ऑफ एन एल पी पी, ऑफ एन एल पी पी, इट एनी इटीरेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, इट एनी इटीरेशन और इट एनी स्टेज, इट एनी स्टेज ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, ऑफ सिंप्लेक्स मेथड जेड जे माइनस जी सी जे, जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल नॉन बेसिक वेक्टर्स, फॉर ऑल नॉन बेसिक वेक्टर्स, वेक्टर्स ऑफ ए, ऑफ ए देन एक्स बी इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, then xb is an optimal solution,
ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको मैं समझाता हूँ आपको क्या इसका मीनिंग है। क्या कह रहा है ये भाई? अपन क्या कर रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड में, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ले रहे हैं, फिर उस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, यानी कि शुरू में जो लिया उस पर वैल्यू जेड है, फिर अपन ने उसकी जगह नया बेसिक सॉल्यूशन बना दिया, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उस पर वैल्यू जेड डेस है, तो जेड डेस जेड से बड़ी होगी, फिर उस पर नया बना के आप जेड डबल डेस बना सकते हो जो उससे बड़ा होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से अपन ऑप्टिमल वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं सिंप्लेक्स मेथड की सहायता से। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखो, इफ फॉर एनी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एक्स बी, सपोज एक्स बी कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि आधारी सुसंगत हल दिया हुआ है ऑफ एन एलपीपी, ठीक है, यानी एक्स बी यहां पर एलपीपी का आधारी सुसंगत हल है। इफ फॉर दिस सॉल्यूशन एक्स बी एट एनी इटरेशन, ये कह रहा है कि इस सॉल्यूशन के लिए अगर किसी भी स्टेज पर या किसी भी टेबल में जो अपन काम कर रहे हैं, किसी भी स्टेज पर या किसी भी टेबल में या किसी भी समय ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड के समय अगर जेड जे माइनस सी जे क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए, किसके लिए, नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए, अनाधारी नॉन बेसिक वेक्टर्स के लिए, नॉन बेसिक वेक्टर्स के लिए अगर जेड जे माइनस सी जे क्या हो जाए, सारे के सारे ग्रेटर देन जीरो हो जाए, देन एक्स बी इज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, तब वो सॉल्यूशन होगा, वो ऑप्टिमल होगा। ये अपन ने किया सिंप्लेक्स टेबल में, देखो ये सिंप्लेक्स टेबल है अपने पास, सी बी बी और एक्स बी इस तरह से, तो सिंप्लेक्स टेबल का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, ये अपन ले रहे हैं इस तरह से, तो ये हो गया सी जे, ये हो गया यहां पर बी, यहां पर वही वाई वन वाई टू एंड इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स अपनी क्या हो गई, ए मैट्रिक्स। अब इसमें बेसिक वेरिएबल आप बना सकते हो, बेसिक सॉल्यूशन इस टाइप के जो बनेंगे, जैसे वन जीरो आ गया, जीरो वन आ गया, ये तो कौन सा हो गया, बेसिक हो गया। अब बेसिक के लिए तो आपको पता है कि जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, अगर अपन ने क्वेश्चन किए, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल्स या बेसिक जो वैक्टर्स हैं उनके करस्पोंडिंग जेड जे माइनस सी जे हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब मैं बात करूंगा किसकी, नॉन बेसिक की, जो नॉन बेसिक आएंगे, नॉन बेसिक, तो नॉन बेसिक के लिए जो भी वैल्यूज यहां पर आएंगी वो सारी क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए, यानी कि सिंप्लेक्स टेबल की किसी भी स्टेज पर अगर जेड जे माइनस सी जे क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो, किसके लिए, नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए, तब जो ये टेबल है, यही टेबल अपनी क्या बनती है, ऑप्टिमल टेबल बनती है। तो अगर ये ऑप्टिमल टेबल बन गई तो इस टेबल में जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, आधारित सुसंगत हल जो आपका होगा, वही क्या बन जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाएगा, वही क्या बन जाएगा, इष्टतम हल बन जाएगा। इसको आप अगर नॉन बेसिक नहीं लिखते साथ में, इस प्रॉपर्टी में नॉन बेसिक नहीं लिखते आप, फॉर ऑल वैक्टर्स कर देते केवल, फॉर ऑल वैक्टर्स, तब ये कंडीशन क्या बन जाती है आपकी, जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी कि जो बेसिक वेरिएबल है उनके लिए तो जेड जे माइनस सी जे क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, और नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए जेड जे माइनस सी जे क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो जितने भी नॉन बेसिक वेरिएबल्स यहां पर आ रहे हैं, वेक्टर्स जो भी आ रहे हैं, उनके करस्पोंडिंग जेड जे माइनस सी जे अगर किसी भी स्टेज पर, जब सिंप्लेक्स मेथड को आप चला रहे हो, किसी भी स्टेज पर सारे जेड जे माइनस सी जे क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए जिसमें बेसिक और नॉन बेसिक दोनों आ गए, उस केस में जो सिंप्लेक्स टेबल है वही टेबल क्या होगी आपकी, ऑप्टिमल टेबल होगी, और इसकी सहायता से जो सॉल्यूशन आएगा, या इस केस में जो आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनेगा, वही सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि अगर किसी भी, ठीक है, आधारित सुसंगत हल एक्स बी के लिए किसी एलपीपी के किसी भी परिस्थिति में या किसी भी समय सिंप्लेक्स मेथड में अगर अनाधारी जो सदिश हैं, ठीक है, नॉन बेसिक जो वेक्टर्स हैं उनके लिए जेड जे माइनस सी जे क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, तब जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यहां पर आपने लिया है वही क्या बन जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाएगा, इष्टतम हल बन जाएगा, ठीक है। ये अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन करेंगे, इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो अभी अपन ने इसमें क्या लिखा है
कि जितने भी नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, जितने भी नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके करस्पोंडिंग जेड जे माइनस सी जे क्या हो जाने चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आ जाने चाहिए, तब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिलेगा जितने भी नॉन, ठीक है। तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए ये कंडीशन है कि जेड जे माइनस सी जे क्या हो, ग्रेटर देन जीरो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने के लिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें देखिए आप, उसमें अपन क्या कह रहे हैं, नंबर फाइव, इफ इन लास्ट टेबल, इफ इन लास्ट टेबल ऑफ एलपीपी ऑल द कॉलम एंट्रीज ये इससे पहले एक प्रॉपर्टी और थी अपनी, हाँ इससे पहले दूसरी प्रॉपर्टी आप लिखो, उसके बाद इस पर मैं आता हूँ। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी चल रही है इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको एक नई प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ नेट इवेल्युएशन जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू को ही बोलते हैं, जेड जे माइनस सी जे, ठीक है। इफ नेट इवेल्युएशन जेड जे माइनस सी, नेट इवेल्युएशन का मतलब क्या है, जेड जे माइनस सी जे इज जीरो, यानी कि जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू क्या हो, जीरो, करस्पोंडिंग टू एनी नॉन बेसिक वेक्टर इन ऑप्टिमल टेबल देन एलपीपी हैज ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी देखो, ऊपर वाली प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं अपन कि जो नॉन बेसिक वेक्टर्स हैं उनके लिए जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ठीक है, तब जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। और जो बेसिक वेरिएबल है, बेसिक वेरिएबल के लिए तो हमेशा जीरो ही होगी, जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू बेसिक वेरिएबल्स के करस्पोंडिंग हमेशा क्या होगी, जीरो, या बेसिक वेक्टर्स के लिए हमेशा क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको भाई, दो तरह के वेक्टर्स अपन लेते हैं, एक तो बेसिक और दूसरा क्या लेते हैं, नॉन बेसिक। तो मैं कह रहा हूँ कि बेसिक के लिए तो जेड जे माइनस सी जे हमेशा जीरो होगा, और नॉन बेसिक के लिए जेड जे माइनस सी जे जो भी आ रहे हैं वो सारे कैसे आ रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो आ रहे हैं, तब ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वही टेबल्स जो आपके पास आ रही है, सिंप्लेक्स, जो ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल कहलाएगी, ठीक है। तो बेसिक तो हमेशा जीरो होगा। अब जो नई कंडीशन है वो किसकी है, कि अगर जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, कम से कम एक जे के लिए, एट लीस्ट वन जे, यानी कि नॉन बेसिक वैक्टर्स के करस्पोंडिंग जेड जे माइनस सी जे अगर किसी न किसी जे के लिए जीरो बन जाए, ठीक है, बेसिक के लिए तो हमेशा जीरो होगा, अगर नॉन बेसिक के लिए एक भी जीरो बन गया, उस केस में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, ऑल्टरनेट यानी इनफाइनाइट होंगे। उस केस में नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो ये स्थिति अगर आती है ऑप्टिमल टेबल में कि भाई सारे के सारे जेड जे माइनस सी जे क्या आ रहे हैं आपके, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएंगे। इक्वल टू जीरो तो किसके लिए, बेसिक के लिए, और ग्रेटर देन जीरो किसके लिए, नॉन बेसिक के लिए, तब तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यूनिकली, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि बेसिक के लिए तो है ही जीरो, अगर नॉन बेसिक के लिए भी एक भी वेक्टर ऐसा हो गया जिसके लिए जेड जे माइनस सी जे जीरो बन गया, उस केस में दी गई एलपीपी है जो, उसके इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होंगे या अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे, अनंत इष्टतम हल होंगे, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टी अब एक साथ हो गई आपकी, ये जब सारे के सारे ग्रेटर देन जीरो नॉन बेसिक, और इसमें जब एक भी नॉन बेसिक वेरिएबल आपका क्या बन गया, जीरो, उस केस में ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होंगे।
और इसकी भी फिर दो कंडीशंस हैं, इसकी भी दो कंडीशंस हैं, ठीक है। दो कंडीशंस ये हैं, इसमें नोट डालकर अपन लिख सकते हैं, इसी के अंदर नोट, ठीक है, फाइव के, फाइव का नोट है ये, फाइव का नोट, यानी कि जेड जे माइनस सी जे तो क्या आ रहा है आपका, जीरो, ठीक है, नॉन बेसिक, नॉन बेसिक के लिए जेड जे माइनस सी जे अपना क्या बन गया, जीरो फॉर सम जे, किसी ना किसी जे के लिए, जेड जे माइनस सी जे तो क्या बन गया, जीरो। तो सपोज ये वाला जीरो बन गया आपका, ये मैं ले लेता हूं वाई जे, और ये सपोज यहां पर क्या है, जेड जे माइनस सी जे, इसकी वैल्यू जीरो आ गई। अब यहां पर क्या क्या आते हैं, वाई वन जे आएगा, वाई टू जे आएगा, वाई आई जे, इस तरह के आएंगे। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें कम से कम एक अगर ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, अगर ये अपन लिखें, इफ नंबर फर्स्ट, इफ एट लीस्ट, इफ एट लीस्ट वन वाई आई जे इज ग्रेटर देन जीरो, देन अपन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट, देन ऑल्टरनेट बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या कहा है मैंने भाई, जिसके लिए जीरो बन रहा है आपका जेड जे माइनस सी जे, उस कॉलम में देखने हैं आपको सारी एंट्री, अगर एक भी एंट्री ऐसी है उसमें जो प्लस में आ रही है, एक भी वैल्यू ऐसी है वाई आई जे की जो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तब जो अपना ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अल्टरनेट तो है ही, ऑल्टरनेट बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है, यानी कि अनंत हल होंगे, ठीक है, अनंत आधारी इष्टतम हल होंगे, ठीक है। और सेकंड, इफ ऑल वाई आई जेज आर लेस देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि जितने भी वाई आई जे आ रहे हैं यहां पर, ये सारे या तो लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो, यानी एक भी पॉजिटिव नहीं है, एक भी ग्रेटर देन जीरो नहीं है, उस केस में जो ये होगा, इसमें क्या आ जाएगा, यहां पर नॉन बेसिक आ जाएगा, नॉन बेसिक, तब अपन क्या कहेंगे, अल्टरनेट नॉन बेसिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्लियर, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जेड जे माइनस सी जे अगर नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए जीरो बन रहा है, नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए जीरो बन रहा है, उस केस में अल्टरनेट सॉल्यूशन होंगे। इस कॉलम की सारी एंट्रीज लेस देन इक्वल टू जीरो है तो नॉन बेसिक अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे, और कम से कम एक वाई आई जे क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तब जो अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएंगे, बेसिक भी होंगे, ठीक है, बेसिक भी होंगे। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी दोनों अपनी एक साथ आ गई। नेक्स्ट एक और अपन प्रॉपर्टी करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसके बाद दो प्रॉपर्टी और अपन लिख रहे हैं अब इम्पोर्टेंट। एक तो अनबाउंडेड रीजन, सिंप्लेक्स टेबल से कैसे पता चलेगा, अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन, और एक अपन देखेंगे अनबाउंडेड रीजन एंड अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, दो प्रॉपर्टी में एक साथ करूंगा, अनबाउंडेड रीजन एंड बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी अपने एक साथ कर रहे हैं।
तो कौन कौन सी स्थिति होगी ये अपन देख रहे हैं। यानी कि पहला तो क्या है, जो क्षेत्र है पहले वाले में, क्षेत्र तो कैसा है, अपरिबद्ध, अपरिबद्ध, ठीक है। और सॉल्यूशन जो अपना है, इष्टतम हल, इष्टतम हल क्या है, वो परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब फाइनाइट है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या है, जो रीजन है वो कैसा है आपका, रीजन अपरिबद्ध है, और उस केस में जो सॉल्यूशन है वो भी क्या है, अपरिबद्ध है। रीजन भी अपरिबद्ध है और सॉल्यूशन भी क्या है, अपरिबद्ध है, दोनों ही, ठीक है। यानी कि ना तो रीजन मिल रहा है बाउंडेड और ना ही आपको बाउंडेड सॉल्यूशन मिल रहा है। लेकिन फर्स्ट वाले केस में रीजन तो अनबाउंडेड है लेकिन सॉल्यूशन क्या है, बाउंडेड। और ये अपन ने, अगर ध्यान हो आपको, ग्राफिकल मेथड में आपको अच्छे से समझाया था कि अगर अनबाउंडेड रीजन है तो भी वहां पर बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। अगर अनबाउंडेड रीजन है तो अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी वहां पर हो सकती है अपने पास, ठीक है। तो क्या होगी, देखो इसकी कंडीशंस, ठीक है। तो पहले मैं इसकी कंडीशन लिखवाता हूं, इफ इफ इन लास्ट टेबल, इफ इन लास्ट टेबल ऑफ एलपीपी, ऑफ एलपीपी या सिंप्लेक्स मेथड जो भी कर रहे हैं आप, ऑल द कॉलम एंट्रीज, ऑल द कॉलम एंट्रीज, ऑल द कॉलम एंट्रीज टू वेरिएबल, टू वेरिएबल सपोज एक्स जे, टू वेरिएबल एक्स जे आर आर आइदर जीरो, आर आइदर जीरो और नेगेटिव, और नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, वाई जे लिख देता हूं मैं इसको, वाई जे आर नेगेटिव, दैट इज वाई आई जे लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। देन फिजिबल रीजन, देन फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी, ऑफ एलपीपी विल बी, विल बी अनबाउंडेड, इन अनबाउंडेड इन वाई जे डायरेक्शन, इन वाई जे डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका तो ये है, इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो सिंप्लेक्स टेबल अपन बनाते हैं किसी भी स्टेज पर, इस तरह से मैंने बना दी सी बी बी एक्स बी, ठीक है, ये मेरी सिंप्लेक्स टेबल हो गई। इधर क्या लिखते हैं अपन, जेड जे माइनस सी जे, ये कह रहा है कि जो लास्ट सिंप्लेक्स टेबल आएगी आपकी, ठीक है, यानी कि लास्ट सिंप्लेक्स टेबल का मतलब है सिंप्लेक्स टेबल के अंदर जितने भी जेड जे माइनस सी जे हैं वो सारे कैसे आ गए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गए, ठीक है। जितने भी जेड जे माइनस सी जे हैं वो सारे कैसे आ रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये सारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रही है। और फिर क्या कह रहा है, ऑल द कॉलम एंट्रीज, ठीक है, यहां पर अपन लिख दें वाई वन वाई टू, कहीं पर आ गया वाई जे एंड सो ऑन। ये कह रहा है कि अगर लास्ट सिंप्लेक्स टेबल जो आपके पास आ रही है, यानी जिसके लिए जेड जे माइनस सी जे तो क्या आ गया आपके, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गए, और इसके करस्पोंडिंग कोई ना कोई कॉलम ऐसा अगर मिल जाए आपको, सपोज वाई जे मिला आपको और वाई जे के अंदर सारी की सारी एंट्रीज कैसी आ रही है, यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वो सॉरी लेस देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि जैसे सपोज माइनस वन आ गया, जीरो आ गया, माइनस टू आ गया, माइनस थ्री, इस तरह से सपोज ये सारी एंट्री आ गई आपके पास, ये तो सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यहां पर तो। लेकिन कोई ना कोई ऐसा कॉलम अगर आपको वहां दिख रहा है लास्ट टेबल में जिसकी सारी एंट्रीज क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन इक्वल टू जीरो है,
तब जो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा या जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, उसका जो रीजन है, जो फिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल सॉल्यूशन का रीजन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, ठीक है, यानी कि अनबाउंडेड आपका रीजन होगा। लेकिन अगर वाई जेड जे माइनस सी जे सारे क्या आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गए, इसका मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आप देख लोगे तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन रीजन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, रीजन क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड, ठीक है। दूसरा जो है, दोनों के मैं एक एक एग्जाम्पल भी आपको इसमें समझाऊंगा। दूसरा मेरे पास क्या है, देखो इसमें सेकेंड वाले के लिए लिखूँ, सेकेंड वाले की कंडीशन इसके साथ में मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल्स पर आता हूँ मैं, इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो ये हिंदी में शायद आपके समझ में आ गए होंगे, अगर मैं कहूँ इफ़ इन द लास्ट टेबल ऑफ एलपीपी, यानी कि एलपीपी की जो अंतिम टेबल बन रही है या जो ऑप्टिमल टेबल बन रही है, ऑल द कॉलम एंट्रीज ऑफ वेरिएबल वाई जे आर आइदर जीरो और नेगेटिव, यानी कि जो वेरिएबल वाई जे है उसका जो कॉलम है उसके अंदर जितनी भी वैल्यू जा रही है वो सारी क्या है, या तो जीरो बन रही है या फिर नेगेटिव बन रही है, ठीक है। उस केस में मैं क्या कह रहा हूँ, उस केस में आपका जो जो रीजन होगा, जो फिजिबल रीजन होगा वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, ठीक है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, जो अपना फिजिबल रीजन होगा वो कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा, ठीक है, ये चेक कर सकते हो आप। तो ध्यान रहे, जेड जे माइनस सी जे सारे क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक कॉलम आपको इस तरह का मिल रहा है जिसमें सारी एंट्रीज लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर गया आपका, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया आपको, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो क्या होगा, बाउंडेड होगा, लेकिन इस केस में जो फिजिबल रीजन है वो क्या है, अनबाउंडेड। अब मैं दूसरी वाली कंडीशन पर आता हूँ, इफ इसमें क्या है, देखो इफ इट एनी इटीरेशन, इट एनी इटीरेशन, इट एनी इटीरेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, इफ इट एनी इटीरेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड वी गेट जेड जे माइनस सी जे इज लेस देन जीरो फोर एट लीस्ट वन जे एंड फोर दिस वाई आई जेज आर लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ईच आई इक्वल टू वन टू अप टू एम देन इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड, देन इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड द प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसका क्या मीनिंग है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, मीनिंग क्या है इसका, क्या कह रहे हैं अपन, इफ एट एनी इटीरेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, यानी कि सिंप्लेक्स मेथड के किसी भी टेबल में या किसी भी सन्निकट में, ठीक है, या किसी भी समय, सिंप्लेक्स मेथड से जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो किसी भी टेबल में, अब अगर आपको क्या मिल रहा है, जेड जे माइनस सी जे लेस देन जीरो फॉर एट लीस्ट वन जे, यानी कि जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन जीरो किसी ना किसी जे के लिए, यानी कि जेथ कॉलम के करस्पॉन्डिंग, एंड फॉर दिस, और यानी इस कॉलम के लिए वाई आई जे क्या आ रहे हैं, लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहे हैं, जितने भी वाई आई जे आ रहे हैं आपके, यानी कि उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग जितने भी एंट्रीज हैं वो सारी एंट्रीज क्या हैं, लेस देन इक्वल टू जीरो है इस केस में, ठीक है। और साथ ही प्रॉब्लम किसकी है, मैक्सिमाइजेशन की, और वैसे भी अपन तो क्या कर रहे हैं, यहां पर जो भी सिंप्लेक्स मेथड अपन अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो प्रॉब्लम अगर मैक्सिमाइजेशन की है, उस केस में ये कह रहा है कि जो सिंप्लेक्स मेथड से अपन जो सॉल्व कर रहे हैं इसको, इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, ठीक है। रीजन तो, अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन अनबाउंडेड है इसका मतलब रीजन भी अनबाउंडेड है, इसका मतलब क्या है, देखो ये अपन ने लिया है सी बी बी और एक्स बी,
तो यहाँ पर आता है अपना क्या सी जे और ये बी, और इधर क्या लिखते हैं अपन जेड जे माइनस सी जे। तो ये क्या कहना चाह रहा है, सपोज ये वाई वन है, ये वाई टू है, कहीं पर वाई जे आ गया एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। वाई जे के करस्पोंडिंग यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या होगी, जेड जे माइनस सी जे। ये कह रहा है कि जेड कोई ना कोई ऐसा कॉलम है जिसके लिए जेड जे माइनस सी जे तो क्या है, लेस देन जीरो। और यहाँ पर आप जो वैल्यू जाएंगी इस कॉलम के लिए यहाँ पर, वो सारी क्या है, लेस देन इक्वल, माइनस वन है, जीरो है, माइनस टू है, जीरो, यानी ये सारी वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू जीरो आ रही है। यानी कि जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू भी क्या आ रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू सपोज मैंने माइनस थ्री ले ली, यानी कि जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू भी क्या है, लेस देन जीरो है। और इसके करस्पोंडिंग जो कॉलम है उसके अंदर सारी एंट्रीज क्या आ रही है, लेस देन और इक्वल टू जीरो आ रही है, तब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा, फिजिबल रीजन भी अनबाउंडेड होगा। इधर क्या था, ये सारी वैल्यूज तो नेगेटिव थी, लेकिन यहां वाली जो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू थी यहां पॉजिटिव थी, ये प्लस की थी। जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और इस कॉलम की सारी एंट्रीज लेस देन इक्वल टू जीरो आ रही थी लास्ट टेबल में, लास्ट टेबल में। और ये कहीं पर भी आ सकता है, किसी भी टेबल में, जरूरी नहीं आपको लास्ट तक जाना है, किसी भी टेबल में अगर ऐसी स्थिति आ रही है उस केस में आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। ऑप्टिम और फिजिबल जो रीजन है वो भी क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। इस केस में फिजिबल रीजन तो क्या होगा, अनबाउंडेड, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, बाउंडेड होगा। आगे दोनों में समझ में, अब दोनों के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल की सहायता से इन दोनों को अपन समझते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल की सहायता से अपन इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कंडीशंस हैं, आपको याद होनी चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि आप पहली टेबल बनाओगे उसी से सारी चीजें हो जाएंगी आपकी, एक ही टेबल से आपका काम हो जाएगा, एक ही टेबल से आप पता कर पाओगे। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा एक या दो। तो सिंप्लेक्स के अंदर दूसरी टेबल बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा दो मिनट या एक मिनट का समय लगता है, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस है एक ही मिनट में आप दो टेबल बना सकते हो, दो से आगे जब आप बढ़ते हो तब आपको फिर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, दो टेबल तक कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो जैसे क्वेश्चन अपन देखें, और घर पर अगर आप कर रहे हो तो घर पर तो आप कितनी भी टेबल बनाएं वो आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। जैसे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसमें लिखो एक क्वेश्चन ये है, मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स वन और प्लस टू एक्स टू। ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस इसमें दिए हुए हैं, 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0, x1 इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड x1, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। तो इसके लिए अपन किस तरह से कर सकते हैं, देखो किस तरह बना पाएंगे इसको अपन। सबसे पहले तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, सबसे पहले इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करें, तो मैक्सिमम ऑफ जेड डेस कर दिया मैंने, इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x1 हो गया और माइनस 2x2। सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या हैं, 2x1 माइनस x2 वो लेस देन इक्वल टू 2 है, यहाँ पर है ना, 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2। तो 2x1 माइनस x2, अब लेस देन इक्वल टू का साइन हटाने के लिए मैंने प्लस क्या कर दिया, x3 स्लैक वेरिएबल, ठीक है, और इक्वल टू किसके आ गया, 2 के। फिर यहाँ पर x1 है, x2 है ही नहीं इसमें, तो 0x2, x3 ऑलरेडी ले चुका मैं तो 0x3, इसमें लेस देन इक्वल टू का साइन हटाने के लिए क्या कर दिया मैंने, प्लस x4, इक्वल टू किसके आ गया, 4 के, और ऊपर वाले में क्या कर दूंगा मैं, 0x4, ये सारा समझा चुका मैं। x3 और x4 क्या है, दोनों स्लैक वेरिएबल हैं, न्यूनता पूरक चर हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट क्या लेते हैं, 0, तो प्लस 0x3 हो गया
और प्लस जीरो एक्स फोर हो गया, और साथ में एंड जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ये सारे क्या हो गए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आप यहां पर सिंप्लेक्स टेबल रेडी कर सकते हो। सिंप्लेक्स टेबल, तो सिंप्लेक्स टेबल किस तरह से अपनी रेडी होंगी, यहां पर देखो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल अगर मैं बनाऊं तो सी बी बी एक्स बी, ये फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल आपकी बन रही है। तो यहां पर आ गया सी जे और इधर बी, जेड जे माइनस सी जे। तो सबसे पहले तो बेसिक मैट्रिक्स देखोगे, देखो आप एक्स क्या बन रहा है यहां पर कॉलम, ये तो टू वन बन रहा है, ये माइनस वन जीरो, ये वन जीरो और ये जीरो वन, तो ये बेसिक मैट्रिक्स बन रही है आपकी। कौन कौन सी? थ्री और फोर के लिए। तो बेसिक में बेस में तो कौन आ गया, एल्फा थ्री और एल्फा फोर, ये तो बेस में आ गए आपके। उसके बाद देखो वेरिएबल कौन से हो गए, एक्स थ्री और एक्स फोर, एल्फा एक्स थ्री और एक्स फोर की कॉस्ट क्या ले रहे हो आप, जीरो जीरो, तो यहां पर जीरो आ गया, यहां पर भी जीरो आ गया। इसमें सीजे में सबकी कॉस्ट लिखते हो या बी के अंदर टोटल कितने वेरिएबल चल रहे हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, तो यहां क्या लिखेंगे अपन, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर, सबकी कॉस्ट लिखेंगे। पहले की कॉस्ट क्या है सिक्स, दूसरे की क्या है माइनस टू, तीसरे की क्या है जीरो और चौथे की क्या है जीरो, ये अपन ने कॉस्ट लिख दी। और यहां पर बी की वैल्यूज लिखेंगे, बी क्या है मेरे पास टू फोर टू फोर, तो पहले सिंप्लेक्स टेबल तैयार हो रही है। अब यहां पर ये पूरी मैट्रिक्स आती है यहां पर, तो ये तो क्या आ गया मेरे पास टू और वन, टू और वन आ गया, इधर क्या आ गया माइनस वन जीरो, इधर वन जीरो और इधर क्या आ गया जीरो वन। जेड जे माइनस सी जे मैं निकालता हूं इसमें, तो क्या बना देखो, टू इंटू जीरो किया तो जीरो, प्लस वन इंटू जीरो किया तो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो और माइनस सिक्स आ गया माइनस सिक्स। फिर नेक्स्ट में जीरो जीरो माइनस माइनस प्लस टू हो गया, फिर नेक्स्ट में करें तो जीरो, क्योंकि बेसिक वेरिएबल के लिए तो हमेशा क्या आएगा जीरो, ये मेरे पास बन गया। अब अपन नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाएं, तो इसमें आपको पता चल गया कि एंट्रिंग वेक्टर कौन सा है, ये मोस्ट नेगेटिव वाला एंट्रिंग वेक्टर हो गया, और आउटगोइंग कौन सा, अब फिर डिवाइड करके देखोगे, टू का भाग टू में दिया तो वन आया, और फोर में जब वन से डिवाइड करेंगे तो फोर आएगा, मिनिमम क्या आया वन, किसको डिवाइड किया टू को, तो ये इसका क्या बन गया की एलिमेंट बन गया। की एलिमेंट की सीध में कौन है, एल्फा थ्री, तो एल्फा थ्री क्या हो गया आपका आउटगोइंग। तो नई जो टेबल बनेगी आपकी, मैं इसी के नीचे बना देता हूं, इसी के नीचे मैं बना रहा हूं, जो नई टेबल अपनी बनेगी वो क्या बनेगी, देखो नई टेबल सी बी बी एक्स बी और ये सारी वैल्यू ऊपर वाला कॉलम एज इट इज काम में ले लूंगा, तो सी बी बी और एक्स बी जो भी अपने बनेंगे, देखो नई टेबल मैं इस तरह से बना रहा हूं इसके अंदर सीधा, ताकि मैं दूसरा मुझे नहीं करना पड़े इसी टेबल के नीचे। तो यहाँ पर क्या बन गया मेरा जेड जे माइनस सी जे, नई टेबल में भाई सी जे तो चेंज हो गया ही नहीं, ये तो सब में होगा। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पहले एल्फा थ्री एल्फा फोर बेस थे, अब मैं क्या कर रहा हूँ एल्फा वन अंदर आ रहा है और बाहर कौन जा रहा है एल्फा थ्री, तो एल्फा थ्री की जगह मैंने क्या कर दिया एल्फा वन, एल्फा फोर एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये एक्स वन हो गया, यहाँ पर एक्स फोर, वन की कॉस्ट क्या है, वन की कॉस्ट सिक्स है और फोर की कॉस्ट क्या है जीरो है। ये अब क्या करना है आपको इसमें, इसमें की एलिमेंट की जगह क्या बनाना होता है वन, और की एलिमेंट के ऊपर नीचे सारे क्या बनाते हैं अपन जीरो बेस बनाने के लिए, ठीक है। तो की एलिमेंट की जगह वन कैसे बनेगा, टू से डिवाइड करोगे इसको, तो यहां पर वन आ गया, यहां पर क्या आ गया वन आ गया, यहां पर क्या आ गया माइनस वन बाई टू, इधर वन बाई टू और इधर जीरो आ गया। फिर इसके नीचे यहां पर जीरो बनाना है, जीरो कैसे बनेगा, इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां वन आ रहा है ना, तो माइनस वन से, माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा तो जीरो बन जाएगा। तो यहां से देखो माइनस वन और प्लस फोर करेंगे तो थ्री आ गया, माइनस वन और प्लस वन करेंगे तो जीरो आ गया, माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू हो गया, तो जीरो में ऐड किया तो वन बाई टू, यहां पर माइनस वन बाई टू आ गया, इसमें किया तो जीरो और वन में ऐड करेंगे तो वन आ गया, ये टेबल बन गई अपनी। अब इसकी सहायता से अपन देख सकते हैं जेड जे माइनस सी जे की वैल्यूज क्या आ रही हैं, तो जेड जे माइनस सी जे देखो इसमें क्या बन रहा है, तो ये अपन क्या करते हैं, अपन सी बी इंटू ये वैल्यू करेंगे तो सिक्स
और ये तो बेसिक है, तो बेसिक तो जीरो ही आएगा, तो सिक्स है प्लस जीरो करेंगे माइनस सिक्स तो जीरो। अब यहां पर देखो आप माइनस का क्या आ रहा है, वन बाई टू को जब थ्री में करेंगे तो माइनस का थ्री, इधर जीरो है तो माइनस का थ्री, और माइनस माइनस प्लस टू तो माइनस वन आ गया। इसमें अपन देखें तो प्लस का थ्री आ रहा है, प्लस का थ्री, और ये बेस में जा रहा है तो जीरो बनेगा। फिर से सारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं आए, तो मैं वापस इसको देख रहा हूं, तो ये इसका क्या हो गया, इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर। अब केवल इसमें देखो ये तो नेगेटिव, इससे तो डिवाइड करना नहीं है, तो पॉजिटिव केवल ये आ रहा है, तो इससे आप डिवाइड करोगे तो यही की एलिमेंट, इसकी सीध में कौन है, अल्फा फोर, तो फोर वाला बाहर चला गया। तो नई टेबल आप बना सकते हो यहां पर, नई टेबल, तो नई टेबल अपनी किस तरह से बनेगी, ठीक है। अब क्या आ रहा है देखो, अल्फा टू आएगा किसकी जगह, अल्फा फोर की जगह, तो अल्फा वन तो इट इज, अल्फा फोर की जगह अल्फा टू आ गया, तो यहां पर एक्स वन एक्स टू, और एक्स वन और एक्स टू की कॉस्ट क्या है मेरे पास, सिक्स और माइनस टू, ये तो सिक्स और ये क्या है माइनस टू, ये इनकी कॉस्ट है। अब यहां पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, वन बनाना पड़ेगा, यहां वन बनाने के लिए क्या करना है मुझे, इसको पूरे को टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो यहां पर आ गया सिक्स, यहां पर आ गया जीरो, यहां पर आ गया वन, और टू से किया तो माइनस वन, और इधर क्या आ गया टू, ये बना। अब मुझे यहां पर क्या बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा, उसके लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, वन बाई टू से, वन बाई टू से, और यहां ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहां प्लस वन बाई टू आ जाएगा, माइनस वन बाई टू में ऐड करूंगा तो जीरो हो जाएगा। तो क्या बन रहा है देखो, वन बाई टू को यहां मल्टीप्लाई करें तो थ्री आ गया, थ्री प्लस वन करेंगे तो फोर आ गया, वन बाई टू को यहां किया तो जीरो, इसमें ऐड करें तो वन, वन बाई टू को यहां किया तो प्लस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू में ऐड किया तो जीरो, यहां पर आ गया माइनस वन बाई टू, प्लस वन बाई टू करेंगे तो जीरो, यहां पर आ गया वन और प्लस जीरो करेंगे तो वन, ये स्थिति आ गई मेरे पास। अब आप यहां पर देख सकते हो इसके अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, जेड जे माइनस सी जे, जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर मेरे पास, सिक्स इंटू वन तो सिक्स हो गया, और ये जीरो तो ये तो आ गया सिक्स, इसके लिए जीरो आएगा, ठीक है, इसके लिए वो एक मिनट, यहाँ इसमें सब्ट्रैक्ट यहाँ से करना है, सीजे की वैल्यू यहाँ पर है ना, तो ये तो जीरो आएगा, जीरो, ठीक है, सिक्स इंटू वन और ये जीरो, और माइनस सीजे करेंगे तो सिक्स तो जीरो, फिर ये भी बेस है तो जीरो, यहाँ पर देखो जीरो, और यहाँ पर आ रहा है प्लस टू, प्लस टू में माइनस जीरो किया तो प्लस टू ही रहेगा, यहाँ जब करेंगे तो सिक्स और माइनस फोर तो प्लस टू बचा, प्लस टू ये मेरे पास आ गया। तो ये ऑप्टिमल टेबल मेरे पास आ गई, ऑप्टिमल टेबल है, इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया आपको, ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा आपको, इस टेबल से आप चेक कर सकते हो, इस टेबल से अपन चेक कर सकते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपना क्या बना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा क्या, मैक्सिमम ऑफ जेड डैश इक्वल टू किसके, सिक्स एक्स वन माइनस टू एक्स टू, माइनस टू एक्स टू वैल्यू रखेंगे x1 x2 की, x1 क्या आ रहा है 4, x2 क्या आ रहा है 6, तो 6 इंटू फोर और माइनस टू इंटू एक्स टू की वैल्यू क्या है 6, तो ये 24 और माइनस 12 इक्वल टू 12, तो ये तो मैक्सिमम ऑफ जेड डेस है, तो मिनिमम ऑफ जेड क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 12, तो मिनिमम ऑफ जेड क्या आ गया, माइनस 12, इसका मतलब इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका जो रीजन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो इष्टतम हल है वो एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट, या ये कह सकते हो कि कैसा है, बाउंडेड है, बाउंडेड है। और इसका जो रीजन होगा, फिजिबल रीजन, वो कैसा होगा, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन इसका देखो आप, ये सारी एंट्रीज आपकी क्या रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी ऐसा कॉलम मिल गया आपको लास्ट टेबल में जिसकी सारी एंट्रीज लेस देन इक्वल टू जीरो है, तब रीजन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। देखो यहाँ पे यार, इसमें तो प्लस है, इसमें भी प्लस का आ रहा है, इस कॉलम में लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, लेस देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, फिजिबल रीजन कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा, ठीक है, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो बाउंडेड है, लेकिन फिजिबल रीजन कैसा है, अनबाउंडेड, ठीक है, क्योंकि एक कॉलम मिल गया। अगर यहां पर भी नेगेटिव होता और फिर ये कॉलम मिल जाता, तब
तब फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी क्या हो जाता है, अनबाउंडेड। उसका अपन नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो यहां से आप इसको चेक कर सकते हैं, इस वाली प्रॉब्लम में जो अपना फिजिबल रीजन है वो तो अनबाउंडेड है, इसके बावजूद भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें क्या मिल रहा है, बाउंडेड मिल रहा है, ठीक है। अभी इसकी और भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अभी अपनी अभी अनबाउंडेड, अभी दूसरा वाला जो एग्जांपल और मुझे करना है, जिसके अंदर क्या करेंगे अपन, जिसमें फिजिबल रीजन तो अनबाउंडेड है ही, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी क्या हो, अनबाउंडेड हो, उसका क्वेश्चन। फिर एक नो सॉल्यूशन की कंडीशन कब आएगी वो अपन देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक दो और कंडीशंस हैं वो अपन देखेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन करते हैं।